नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आप सबके पर्सनल चैनल निक एंटरटेनमेंट में। जी हां, आज बात करने वाले हैं आप लोग बीच की कौन से क्रिएटर का जूता सबसे महंगा है, जो फील्ड में पहन के खेलते हैं जूता, उस जूते के बारे में बात करेंगे। आप लोग बीच की जो स्पोर्ट्स शू पहनते हैं, स्पोर्ट्स शू कितना महंगा महंगा ये लोग रखते हैं। वैसे जूते के बारे में बात किया तो इन लोगों के पास काफी ज्यादा जूता होता है और लाखों रुपए के जूते होते हैं, लेकिन जो मैच के दौरान यूज करते हैं। स्पोर्ट्स शू के बारे में बात करेंगे कि कितना महंगा महंगा स्पोर्ट्स शू पहनते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखें और आज आप लोग को डिटेल देने वाले हैं कि सबसे महंगा जूता आखिरकार कौन से क्रिएटर का है। सबसे पहले जिस क्रिएटर के बारे में बात करेंगे, इनका नाम है हार्दिक पांड्या। जी हाँ, हार्दिक पांड्या के बारे में बात किया तो काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी बढ़िया प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं। इनके जूते के बारे में बात किया तो ये जो जूता पहनते हैं वो 6000 रुपये का है। जी हाँ, मैच के दौरान जो आप इनको जूता पहने हुए देखते हैं क्रिकेट में, फील्ड में, उस जूते के प्राइस के बारे में बात किया तो लगभग 6000 रुपये का जूता पहनते हैं हार्दिक पांड्या। अब बात करेंगे आप लोग भी जसप्रीत बुमराह के बारे में। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह के बारे में बात किया तो ये भी बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। ये भी काफ़ी महंगा जूता पहनते हैं क्योंकि बॉलर है और बॉलर को थोड़ा महंगा जूता पहनना पड़ता है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी करना होता है बॉलर को, रनिंग करके बॉलिंग भी करना होता है भाई। तो इनके जूते के बारे में बात किया तो इनका भी जूता काफ़ी महंगा है। ये जो जूता पहनते हैं वो 7000 रुपये की। जी हाँ, इनके जूते की कीमत के बारे में बात की जाए तो लगभग 7000 रुपये है। अब बात करेंगे आप लोग भी सरदुल ठाकुर के बारे में। जी हाँ, सरदुल ठाकुर के बारे में बात किया तो ये भी काफ़ी महंगा पहनते हैं, नाइक का शू पहनते हैं और इनके जूते के प्राइस के बारे में बात किया तो लगभग, जी हाँ, 7 से 8 हज़ार रुपये का जूता पहनते हैं। जी हाँ, सरदुल ठाकुर के बारे में बात किया तो ये भी काफ़ी महंगा जूता पहनते हैं। ये भी फास्ट बॉलर है इंडियन क्रिकेट टीम के और 7 से 8 हज़ार रुपये का जूता पहनते हैं सरदुल ठाकुर। अब बात करेंगे आप लोग भी शुभमन गिल के बारे में। जी हाँ, शुभमन गिल के बारे में बात किया तो काफ़ी पॉपुलर क्रिकेटर हैं। जी हाँ, इंडियन क्रिकेट टीम के काफ़ी पॉपुलर क्रिकेटर हैं। इनके जूते के बारे में प्राइस के बारे में बात किया तो लगभग 5000 रुपये। जी हाँ, लगभग 5000 रुपये का जूता पहनते हैं शुभमन गिल। अब बात करेंगे आप लोग भी युजवेंद्र चहल के बारे में। जी हाँ, युजवेंद्र चहल के बारे में बात किया तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बेहतरीन स्पिनर बॉलर हैं। इनके जूते के बारे में बात किया तो इनका भी जूता काफ़ी महंगा है। इनके जूते के प्राइस के बारे में बात की जाए तो ये भी 5 से 6 हज़ार रुपये के जूते पहनते हैं। जी हाँ, युजवेंद्र चहल के जूते के प्राइस में बात की जाए तो ये भी 5 से 6 हज़ार रुपये का जूता पहनते हैं। अब बात करेंगे भुवनेश्वर कुमार के बारे में, जो अभी इंडियन क्रिकेट टीम में बहुत ही अच्छा कमाल दिखा रहे हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा नाम हो रहा है। भुवनेश्वर कुमार के बारे में बात किया, इनके जूते के प्राइस के बारे में बात किया तो काफ़ी महंगा जूता पहनते हैं। जी, इनके भी जूते के बारे में बात किया तो लगभग 7 से 8 हज़ार रुपये इनके भी जूते की कीमत है और बहुत ही बढ़िया अभी खेल रहे हैं, बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, साथ में खिलाड़ी भी है, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। अब बात करेंगे आप लोग भी श्रेयस अय्यर के बारे में। जी हाँ, श्रेयस अय्यर के बारे में बात की जाए तो काफ़ी बढ़िया, काफ़ी बेहतरीन प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, जूते का भंडारा है, इतना जूता है इनके पास कि अपना शॉप भी खोल सकते हैं जूते का, और बहुत ही महंगा महंगा, बहुत ही कॉस्टली जूता पहनते हैं। काफ़ी शौक है इनको जूते का, लेकिन अगर इनके बारे में बात की जाए, बात करेंगे जो मैच के दौरान पहन के खेलते हैं जूता, उस जूते के बारे में बात करेंगे क्योंकि अगर ऐसे जूते के बारे में बात किया जो नॉर्मल लाइफ में पहनते हैं, काफ़ी महंगा महंगा शू पहनते हैं ये और लाखों में प्राइस होती है, लेकिन मैच के दौरान जो पहनते हैं वो स्पोर्ट्स शू पहनते हैं ये लोग। अगर इनके बारे में बात की जाए, श्रेयस अय्यर के बारे में बात किया तो बहुत ही बढ़िया बैट्समैन है इंडियन क्रिकेट टीम के, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, इनके खेल को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, साथ में इनके जूते को भी काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। इनके जूते के बारे में बात करूं, इनके जूते के प्राइस के बारे में बात करूं श्रेष्ठ एयर के जूते के बारे में तो लगभग ये भी 6000 रुपए। जी हाँ, लगभग 6000 रुपए के जूते पहनते हैं, जो काफी महंगे महंगे शू पहनते हैं। वैसे आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा मात्रा में इनके पास शूज है। अब बात करेंगे आप लोग भी ऋषभ पंत के बारे में। जी हाँ, ऋषभ पंत के बारे में बात किया, इनके जूते के बारे में बात की जाए तो ये जो जूता पहनते हैं एडिडास का शू पहनते हैं, एडिडास कंपनी के जूते पहनते हैं, और इनके जूते के प्राइस के बारे में बात किया तो बहुत ही महंगा कॉस्टली जूता पहनते हैं ये लगभग। जी हाँ, लगभग 9 से 10 हज़ार रुपये के जूते पहनते हैं क्योंकि एडिडास का शू पहनते हैं, एडिडास का शू थोड़ा महंगा भी आता है। इनके शू के बारे में बात की जाए तो लगभग 10 हज़ार रुपये के आसपास, 9 से 10 हज़ार रुपये के आसपास ऋषभ पंत जो शू पहनते हैं उसकी प्राइस है। वैसे ऋषभ पंत के बारे में बात की जाए तो बहुत अच्छा बैट्समैन है, बहुत अच्छा प्लेयर है, इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खेलते हैं और अभी इन्होंने हाल फिलहाल में अपना खेल काफी बढ़िया दिखाया, इनके खेल को काफी ज्यादा पसंद किया गया, टेस्ट में भी इन्होंने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस किया, T20 में भी काफी ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस किया। अब लोगों को उम्मीद है कि इनको ओडीआई में भी मौका मिले, ओडीआई में भी जबरदस्त प्रदर्शन करें क्योंकि आईपीएल में भी काफी बढ़िया खेलते हैं। वैसे इनके जूते के बारे में बात की जाए तो काफी महंगा जूता पहनते हैं, एडिडास का शू पहनते हैं, और ऋषभ पंत के बारे में बात किया तो इंसान भी ऋषभ पंत बहुत ही बढ़िया है। अब बात करेंगे आप लोग भी शिखर धवन के बारे में। शिखर धवन के बारे में बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया इन्होंने ओडीआई में, बहुत ही अच्छे रन बनाए और बहुत ही अच्छा शॉट्स खेलते हैं, इनके शॉट्स को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, साथ में आईपीएल भी बहुत ही बढ़िया खेलते हैं। इनका खेल बहुत फास्ट है, स्लो नहीं खेलते हैं, धीमा नहीं खेलते हैं, बहुत ही तेज खेलते हैं शिखर धवन, और साथ में बहुत ही स्टाइलिश हैं, इनके लुक को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, बहुत ही स्टाइलिश हैं शिखर धवन, इनको काफी ज्यादा स्टाइलिश भी कहा जाता है। वैसे अगर शिखर धवन के बारे में बात किया तो बहुत अच्छे इंसान है, इनको गब्बर के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, इंडियन क्रिकेट टीम में अगर बात की जाए तो शिखर धवन को गब्बर के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ही अच्छा खेलते भी हैं। वैसे इनके जूते के बारे में बात की जाए तो ये भी काफी महंगा जूता पहनते हैं, इनके जूते के प्राइस के बारे में बात की जाए तो लगभग ये भी 6 से 7 हज़ार रुपए के जूते पहनते हैं। जी, अगर शिखर धवन के बारे में बात करूं, इनके जूते के बारे में बात करूं, शिखर धवन के जूते के बारे में तो लगभग 6 से 7 हज़ार रुपए के जूते पहनते हैं शिखर धवन। और क्रिकेट के बारे में बात किया तो क्रिकेट बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, इनकी रैंकिंग भी बहुत ही अच्छा हो रही है। जब आए थे नया नया तो इन्होंने 4 चांद लगा दिया था अपने खेल से, वैसे बीच में थोड़ा सा इनको ब्रेक मिला, बीच में थोड़ा सा इनकी रैंकिंग खराब हुई, थोड़ा खेल खराब हुआ, लेकिन फिर से इनका फॉर्म वापस आ चुका है और अब इनकी जो खेल है वो फिर से
से जबरदस्त तरीके से स्टार्ट हो चुकी है। वैसे इनके जूते के बारे में बात की जाए तो ये भी 6 से 7 हज़ार रुपए के आसपास जूते पहनते हैं और काफी महंगा जूता पहनते हैं शिखर धवन। अब बात करेंगे आप लोग बीच केएल राहुल के बारे में। जी हाँ, केएल राहुल के बारे में बात किया तो बहुत ही अच्छा, जी हाँ काफी बेहतरीन प्लेयर हैं। रैंकिंग के बारे में बात किया तो T20 में काफी बढ़िया रैंकिंग है, ODI में थोड़ा सा रैंक इनका खराब हुआ था, टेस्ट में भी थोड़ा खराब हुआ था, लेकिन अभी अगर इनके बारे में बात किया, इनकी बल्लेबाजी के बारे में बात किया तो इनका बल्लेबाजी काफी ज्यादा सुधर चुका है। अभी ODI में इन्होंने बहुत जबरदस्त बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस किया, इनके परफॉर्मेंस को काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। वैसे अगर इनके जूते के बारे में बात किया तो ये जो जूता पहनते हैं उसकी प्राइस लगभग 5,000 रुपए है। जी हाँ, मैच के दौरान जो ये जूता पहनते हैं उसकी प्राइस उसकी कीमत के बारे में बात की जाए तो लगभग 5,000 रुपए का जूता पहनते हैं। ऐसे अगर रियल लाइफ में जब ये शौक के लिए पहनते हैं, घूमने कहीं जाते हैं उसके लिए जब भी जूता पहनते हैं तो लाखों का करोड़ों का जूता पहनते हैं सारे क्रिकेटर, लेकिन मैच के दौरान ये सिर्फ स्पोर्ट्स शू यूज करते हैं और स्पोर्ट्स शू के अलावा कोई भी जूता नहीं पहनते हैं। वो स्पोर्ट्स शू उतने ज्यादा प्राइस का तो नहीं होता है जितना नॉर्मल ये लोग कैजुअल शू पहनते हैं। जितना महंगा इन लोगों का कैजुअल शू होता है, फॉर्मल शू होता है, उतना महंगा स्पोर्ट्स शू इन लोगों का नहीं होता है। अगर कैजुअल शू फॉर्मल शू के बारे में बात किया है तो ये लोग लाखों रुपए का करोड़ों रुपए का जूता पहनते हैं, लेकिन मैच के दौरान जो जूता पहनते हैं उसकी जो प्राइस होती है वो लगभग 5 से 6 हज़ार रुपए होती है। अब बात करेंगे आप लोग बीच रोहित शर्मा के बारे में। जी हाँ, नाम तो इनका रोहित है लेकिन लोग इनको रोहित कहते हैं क्योंकि बहुत ही अच्छा हिट करते हैं, बहुत ही अच्छा खेलते हैं, इनका खेल को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है रोहित शर्मा का। और अभी 4 चांद लगा दिया इन्होंने अपने खेल से। जी हाँ, इंडियन क्रिकेट टीम के आन बान शान है रोहित शर्मा, बहुत ही बढ़िया खेल दिखाते हैं, इनके खेल को काफी ज्यादा पसंद किया जाता है। साथ में इनका माइंड सेट भी काफी बढ़िया है, दिमाग भी बहुत अच्छा है इनका, और बहुत सारे टाइम विराट कोहली भी इनसे डिस्कशन करके डिसीजन लेते हैं और बहुत ही अच्छा खेलते हैं। दोनों में काफी अच्छा तालमेल है, काफी अच्छा फ्रेंडशिप है इनमें विराट कोहली में। इंडियन क्रिकेट टीम को काफी अच्छा संभाल रहे हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली और सारे प्लेयर बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं। वैसे अगर रोहित शर्मा के जूते के बारे में बात की जाए तो ये एडिडास का जूता पहनते हैं, इनके जूते के प्राइस के बारे में बात की जाए तो 6,300 रुपए है। जी हाँ, इनके जूते के बारे में अगर बात की जाए, जूते के प्राइस के बारे में बात किया तो 6,300 रुपए इनके जूते की प्राइस है। अब बात करेंगे आप लोग बीच विराट कोहली के बारे में। जी हाँ, विराट कोहली के बारे में बात की जाए, भाई ये तो कमाल के प्लेयर हैं, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज हैं, दुनिया के नंबर वन बल्लेबाज हैं। इनके बारे में अगर बात की जाए फ्रेंड्स तो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं। इनके खेल के बारे में बात की तो बहुत अच्छा इनका खेल है। ये जो जूता पहनते हैं पूमा कंपनी का शू पहनते हैं खेल के दौरान, स्पोर्ट्स शू पूमा कंपनी के पहनते हैं। इनके जो जूते की प्राइस है, कीमत के बारे में अगर बात की जाए, इनके जूते की कीमत के बारे में बात की जाए तो 8,000 रुपये इनकी जूते की कीमत है, पूमा कंपनी का जूता पहनते हैं। उससे पहले अगर बात किया तो खेल इनका बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया खेलते हैं, इनके खेल को काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है, इनका प्रदर्शन काफी जबरदस्त है, इनके प्रदर्शन को स्पेशली काफी ज्यादा पसंद किया जाता है, शॉट बहुत अच्छे अच्छे लगाते हैं। और इनके जूते के प्राइस के बारे में बात किया तो पूमा कंपनी का जूता पहनते हैं, जिस जूते की प्राइस के बारे में बात की जाए तो 8,000 रुपए का जूता पहनते हैं। अब बात करेंगे आप लोग बीच सचिन तेंदुलकर के बारे में। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर के जूते के बारे में बात की जाए, जब ये पहन के खेलते थे जूता, काफ़ी महंगा जूता पहनते थे, इनकी जूते की जो प्राइस है वो 13,000 रुपये है। जी हाँ, अभी के समय में अगर बात किया इनके जूते की प्राइस तो अभी इनकी जूते की प्राइस 13,000 रुपये, जो जूता पहन के ये खेलते थे उस कंपनी की शू की, जिस कंपनी के शू को पहन के खेलते थे उस कंपनी का जूता, उसी लेवल पर अगर आप लेना चाहें तो 13,000 रुपये अभी पड़ेगा। यानी उस समय थोड़ी कम प्राइस होगी लेकिन अभी के समय में 13,000 है और काफ़ी महंगा जूता पहनते थे सचिन तेंदुलकर। अब बात करेंगे आप लोग बीच महेंद्र सिंह धोनी के बारे में। जी हाँ, इनके बारे में बात किया, इनके जूते के प्राइस के बारे में बात किया तो 5,000 रुपये है और ये अपने ही कंपनी का जूता पहनते थे, माई सेवन इनकी कंपनी का नाम है, उसी कंपनी का जूता पहनते थे, उसी कंपनी का जूता पहन के खेलते थे। इनके जूते की जो प्राइस है वो 5,000 रुपये है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में आप लोग को बताया कि कौन से क्रिएटर सबसे महंगा जूता पहनते हैं, तो आप लोग जरूर कमेंट कर बताएं कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। मैं फिर मिलूंगा आप लोग से अपनी दूसरी वीडियो को लेकर के, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।